करियर पे तलवार तो लटक ही रही है। हमें कोई आश्वासन प्रशासन की तरफ से नहीं आया है, उल्टा हमें धमकियां मिल रही हैं। जी यहाँ पे जब गर्ल्स आती है तो लगभग 19 या 20 साल की छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं जो यूजी में आती हैं। उनको फर्स्ट ईयर से हॉस्टल प्रोवाइड नहीं होता है, सिक्योरिटी का इशू है, खाने का इशू है, पेरेंट्स को भी टेंशन होती है लड़कियों की सिक्योरिटी को लेके। नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया। हम पहुंचे हैं राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान में जयपुर, जहां पर छात्र और रेजिडेंस डॉक्टर लगातार यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले काफ़ी 4 साल से उनकी मांगें लंबित पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी तरह की कोई मांग उनकी अभी तक पूरी नहीं की गई है। उन्होंने आज करीब 25 तारीख से उन्होंने OPD का भी बहिष्कार किया है। यहाँ ये जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, इन डॉक्टर से, इन छात्राओं से, इन छात्रों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का ये धरना प्रदर्शन है और उनकी मांगें क्या हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शालिनी सैनी है। डॉक्टर शालिनी, किस तरह की मांगें आपकी हैं और किन इन मांगों को लेकर आप कब से संघर्षरत हैं? गत 4 वर्षों से हम अपनी 30 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं, फिर भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो रही, ना ही कोई हमें विश्वासजनक कोई उत्तर मिल रहा है। अभी हमने 20 तारीख को प्रशासन को ज्ञापन दिया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे, तो हमने काली पट्टी बांधकर 21 तारीख से 24 तारीख तक अपना प्रदर्शन किया। प्रशासन की तरफ से हमें फिर भी कोई जवाब नहीं आया, तब हम 25 तारीख से धरने पर बैठे हैं। किस तरह की मांगे हैं आपकी? जी हमारी है कि ये केंद्रीय इंस्टीट्यूट है, फिर भी राज्य स्तरीय उनके मुकाबले यहाँ का स्टाइपेंड बहुत कम है और हमसे दोगुनी फीस वसूली जा रही है। हमारी दूसरी मांग ये है कि यहाँ जो गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे UG 4 साल की होती है और 3 साल के ख़त्म होते होते हमें हॉस्टल नहीं मिलता, प्लस अगर हॉस्टल नहीं मिलता तो हमें HRA भी नहीं मिलता है। तीसरी मांग है कि जो हमारी फ़ीस है वो दुगुनी हमसे वसूली जा रही है। दुगनी फीस वसूल रहे हैं, करीब 4 साल से आप लोग लगातार अपना संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद कोई आया आश्वासन देने के लिए किसी तरह? नहीं, हमें कोई आश्वासन प्रशासन की तरफ से नहीं आया है, उल्टा हमें धमकियां मिल रही हैं कि आप अगर इसी तरह बैठे रहे तो हम आपका स्टाइपेंड काट लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौम्या विजय। सौम्या, आपको जैसा डॉक्टर शालिनी ने बताया कि धमकियाँ मिल रही हैं, उसके बावजूद आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कोई करियर पर कोई तलवार लटक रही है? किसी तरह की आपको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? करियर पे तलवार तो लटक ही रही है, पर जिस तरीके की सुविधाएं हमें यहाँ पे मिल रही हैं उससे भी बहुत ब्राइट करियर अगर हम देखा जाए, हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि हम कैसे रह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पढ़ाई वैसी अच्छे से नहीं हो रही है, तो वैसे हमारा करियर इफेक्ट एक तरीके से हो ही रहा है। दूसरी तरफ से प्रशासन भी अगर धमकियां दे रहा है हमें करियर की, तो हम लोग छात्र एकता इसलिए बना के रखे हैं कि चाहे करियर पे इफेक्ट आए ना आए, एक तरीके से पहले से आ ही रहा है, तो हमें अगर छात्र एकता करेंगे तभी हमारा करियर आगे अच्छा होगा। आयुर्वेद के सारे छात्र एक साथ मिलकर ये आवाज़ उठाए कि हाँ हमें कुछ करना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और हमारी मांगें पूरी होंगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। किस तरह के काम का आपने अब तक बहिष्कार किया है? हमारा मेन है OPD का हमने बहिष्कार किया है शांतिपूर्ण तरीके से, और स्टाइपेंड बढ़ाने की हमारी मांग है इतनी। हाँ, हमने ज़्यादा कुछ ये कार्य बाधाएं नहीं उत्पन्न किए कि हम कुछ रास्ता रोक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं और OPD का बहिष्कार कर रहे हैं बस। गर्ल्स को लेकर यहाँ किस तरह की दिक्कतें हैं, उनको किस किस तरह की यहाँ दिक्कतें आती हैं? जी यहाँ पे जब गर्ल्स आती है तो लगभग 19 या 20 साल की छोटी उम्र की लड़कियाँ होती हैं जो UG में आती हैं, उनको फर्स्ट ईयर से हॉस्टल प्रोवाइड नहीं होता है। हमारे साथ बिहार से लड़कियाँ हैं, उत्तराखंड से लड़कियाँ हैं, साउथ से लोग आते हैं, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके बावजूद हमें हॉस्टल नहीं मिलता रहने को, हमें बाहर रहना पड़ता है। रात के 9:30 बजे तक हम खाना खाने आते हैं मेस में, फिर 10 बजे हम बाहर रहते हैं। सिक्योरिटी का इशू है, खाने का इशू है, पेरेंट्स को भी टेंशन होती है लड़कियों की सिक्योरिटी को लेके। साथ ही में PG जो रेजिडेंट्स है उनकी नाइट ड्यूटी होती है, उनको दिक्कत होती है आने में, तो हॉस्टल की तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अब भी अगर मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या रहे? हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारा काम कर रहे हैं, आगे हम अनशन का सोच रहे हैं और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम आगे अनशन करेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नवल सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ NIA। नवल जी, किस तरह की धरना प्रदर्शन है, कब से आप संघर्ष कर रहे हैं और क्या लगता है कि इस बीच में जो आपका ये संघर्ष रहा, इसको कोई सुनने वाला है या नहीं?
अभी देखो 4 साल से हम इनको बार बार ज्ञापन दे रहे थे तो उसके प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। फिर हमने 20 तारीख को इनको एक ज्ञापन दिया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करने जा रहे हैं काली पट्टी बांध के, लेकिन उन्होंने फिर भी सुनवाई नहीं की। और फिर हमने OPD और IPD और जो OT ड्यूटीज है उनका बहिष्कार किया। अगर एक दो दिन में मांगे नहीं मानते तो हम आमरण अनशन का बहिष्कार करेंगे। OPD बंद करने से किस किस तरह के काम पर इफेक्ट पड़ रहा है, क्या मरीजों को दिक्कत आ रही है? OPD बंद करने से बिल्कुल मरीजों को बिल्कुल दिक्कतें आती हैं, क्योंकि यहाँ सारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं, इंटर्नीज हैं, जिनकी ड्यूटी लगती है 24 घंटे के लिए ड्यूटी लगाई जाती है अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पे, तो वो ड्यूटी तो बाधित हो ही रही है। पेशेंट्स लोगों को परेशानी हो ही रही है, भीड़ बढ़ रही है तो उनको तो परेशानी फेस करनी पड़ ही रही है। किस किस तरह की मांगे आपकी हैं जिन पर लेकर आप लगातार संघर्षरत हैं? मांगे 3 ही हैं हमारी। एक तो स्टाइपेंड को लेकर, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है यहाँ पे राज्य स्तरीय कॉलेज में काफ़ी गुना यहाँ पे बजट आता है, लेकिन और सभी जैसे कोई भी है जैसे बिल्डिंग बनवा रही हो कुछ भी जैसे और कोई कार्यक्रम करवाना उनके लिए इनको करोड़ों बजट आ जाता है, लेकिन अगर स्टूडेंट की मांग आती है यहाँ पे स्कॉलर की मांग आती है तो वहाँ पे इनके पास कोई बजट नहीं है। तो और दूसरी हॉस्टल की सुविधा, मेनली जो गरीब बच्चे हैं बेचारे और गर्ल्स हैं उनका सिक्योरिटी का वो इश्यू रहता है, उनके लिए हॉस्टल प्रोवाइड नहीं रहता। पूरी डिग्री मतलब कंप्लीट हो जाती तब तक हॉस्टल नहीं मिलता। कि एक गवर्नमेंट कॉलेज में यही कोई भी स्टूडेंट आता है ये सोच के आता है कि कम फीस में हम पढ़ सकें, लेकिन वो इनको कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। और जो मतलब फीस का 3 गुना फीस है, ऐसे लगता है जैसे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। एक गरीब बच्चा तो सोच ही नहीं सकता कि, और जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है उसमें फीस का इतना प्राइवेट कॉलेज की तरह लिया जा रहा है, तो एक बच्चा सोच ही नहीं सकता कि हम टॉप मोस्ट कॉलेज में पढ़ सकें। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे जो आपकी मांगे हैं उनको सुनने के लिए, कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि हमारी जो तीनों मांगे कंप्लीट हो जाती हैं तो हम अपना धरना प्रदर्शन, अपने जो मरीजों को दिक्कत हो रही है हम अपने वापस कार्यस्थल पर चले जाएंगे, लेकिन अगर नहीं होती है कंप्लीट तो ये धरना चलता रहेगा और अनशन करेंगे हम यहाँ से नहीं हटने वाले। इसी तरह की कोई धमकियाँ आपको मिल रही हैं इस धरने? धमकियाँ ये दी जा रही हैं प्रशासन को, जैसे जो स्टाइपेंड मिलता है हमें, कि अब मेरे पास एक लेटर भी आया है, उन्होंने मेल भी किया है कि हम आपका स्टाइपेंड काट लेंगे, और प्रशासन द्वारा ये भी धमकी दी जा रही है हम कैरियर तबाह कर देंगे। अगर इस प्रकार की प्रशासन धमकियाँ दे रहा है तो यहाँ पर कौन स्टूडेंट आएगा जो मतलब पढ़ना चाहे? तलवार लटकी हुई है, उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं। और भी इस तरह की खास कवरेज के साथ आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।